नमस्कार दोस्तों, आज हम एज कैलकुलेशन के बारे में ट्रिक से कैसे निकालते हैं इसके विषय में हम जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी बहुत सारे जो है जगह में एग्जामिनेशन फॉर्म हुआ या अपने से हम जानना चाहते हैं कि मेरा सही में कितना अभी जो है कितना मेरा दिन हो गया है, मेरा एज का आज के दिन में हम कितने कितने मेरा एज हो चुका है वो चीज़ देखना चाहते हैं, तो यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। यानी कि अगर किसी बंदे का जो है अगर डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1989, यानी 5 दिन है, एकवा महीना और ईयर से 1989 को उसका डेट ऑफ बर्थ है, यानी वह जन्म लिया, और वह जानना चाहता है कि 13/3/2020 को कितना दिन उसका हो जाएगा, इतना यानी कि उस बंदे का कितना एज हो जाएगा, कितना दिन बीत गया है, कितना महीना बीत गया है, वो सब सारा चीज़ हम यहाँ पर निकालने के लिए बता रहे हैं, वो भी बिल्कुल भी ट्रिक के माध्यम से 2 से 4 मिनट में आप भी यहाँ पर सीख सकते हैं। तो देखिए कि किस प्रकार से हम यहाँ पर बनाते हैं। सिंपल सा तरीका है कि क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, आप जानते हैं कि एक ईयर्स में 12 महीना होता है, ठीक है, कितने होते हैं 12 महीना का यहाँ पर दिन होता है, 12 महीना होता है, और मंथ में बात करते हैं तो महीना 31 का भी होता है, 30 का भी होता है, 28 का भी होता है और 29 का भी होता है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन हम हमेशा 31 का ही काउंट करेंगे। याद रखिएगा, इसको भी नहीं काउंट करेंगे, इसको भी नहीं और इसको भी काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर काउंट करेंगे 31 दिन का ही काउंट यहाँ पर करेंगे, गिनेंगे। अब देखिए कि इसको हम ट्रिक से कैसे निकालते हैं, सो देखिएगा किस प्रकार से हम यहाँ पर बनाते हैं। अब इसका जो है, इस बंदे का हमको पता करना है कि अभी इसका जो है यानी मार्च महीना में 2020 में 13 तारीख को कितना दिन इनका हो जाएगा, तो घटाने के लिए यहाँ पर 0 है, 0 में 9 चला नहीं जाएगा, तो इससे क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे, पैसा लेंगे, जैसे कि हम लोग घटा में पढ़ते, यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में 1 चला जाएगा, 10 में 9 चला जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों 1। अब यहाँ पर 1 हो चुका, यानी 1 हो चुका, तो यहाँ पर 8 में 11 हो गया, तो 11 में अगर 8 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों 31, यानी 31 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 1 ही घटेगा, तो कितना बचेगा 02। 5 है, यहाँ पर 13 है, जब इसमें हम घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 8। यानी कि कह सकते हैं जो पर्सन है उसका 8 दिन हो रहा है और 2 महीना और 31 साल हो रहा है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान से आप ज्ञात कर सकते हैं किसी का भी एज। अब कुछ ऐसे लेते हैं जो कि घटेगा नहीं, उस कंडीशन पर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ 8 यहाँ 2, लेस तो होगा नहीं, क्योंकि जो वर्तमान एज हो तो हमेशा ऊपर ही लिखना है, जो वर्तमान एज हो हमेशा ऊपर, जो करेंट एज होगा उसको हमेशा ऊपर, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा हमेशा उसको नीचे ही लिखना है। अब देखिए इस कंडीशन पर यहाँ पर घट नहीं रहा, यहाँ पर तो घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है, अरे यहाँ पर नहीं घट रहा, उस कंडीशन पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको बड़ा संख्या बनाना है, तो बड़ा संख्या क्या करेंगे, इससे एक पैंचा लेंगे, यानी कि यहाँ पर एक उधरा लेंगे, तो उधरा एक नहीं बल्कि एक ईयर्स उधरा आपको यहाँ पर मिलेगा, एक ईयर्स। जब एक ईयर्स यहाँ पर उधरा मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा कितना, यानी कि यहाँ पर बचेगा दोस्तों 2019, यानी यहाँ अब 2020 नहीं रहा, कितना रह गया 2019 रह चुका है यहाँ पर, यही चीज़ ख्याल रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 12 महीना अगर देंगे, एक साल दिए 12 महीना, तो 12, 13, 14, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 14 महीना। अब यहाँ पर 2 महीना नहीं हुआ, अब यहाँ पर कितने हो गए 12, यहाँ पर 2 महीना नहीं बल्कि 14 महीना हो गया। अब यहाँ पर इसको लेस करते हैं, अब लेस करेंगे तो 2019 में 1994 को लेस करेंगे, 2020 में इसको हम लेस नहीं करेंगे, क्योंकि एक साल इसमें आपको चला गया, एक साल पूरा जाता है, यहाँ पर एक दो संख्या नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप इससे पैसा लेने के लिए जाते हैं तो 2020 बोलेगा, देखो भाई हम तो देंगे तो पूरा साल हमको लेना पड़ेगा, हम एक महीना नहीं देते हैं आपको, इसीलिए इस बंदे को पूरा साल लेना पड़ा, तो यहाँ पर 12 महीना उधरा लिया और 2 महीना इसके पास था, यानी 12, 2 कितना हो गया 14 महीना इसके पास प्रेजेंट में। अब इसको लेस करते हैं, तो देखिए दोस्तों लेस करेंगे तो 9/4 में 9 चला जाएगा, यानी 9 में 4 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 5, 5 हो चुका, ठीक है, 5/4, 9। अब
यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक है, यहाँ नौ है, यानी ग्यारह, ग्यारह में नौ, नौ दस ग्यारह, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो। क्लियर, यहाँ पर दो हो जाएगा। अब यहाँ पर आठ है दोस्तों, आठ में अगर चौदह चला जाएगा, यानी चौदह में आठ चला जाएगा, तो कितना बचेगा, छः। अब यहाँ पर दस है, दस में चौबीस में दस चला जाएगा, तो कितना बचेगा, चौदह। यानी कि इस बंदे का चौदह दिन छः मंथ और पच्चीस साल हो रहा है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अब एक ऐसा ट्रिक देखते जो कि यहाँ भी नहीं घटेगा, यहाँ भी नहीं घटेगा, उस कंडीशन पर हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ भी बड़ा संख्या, यहाँ भी बड़ा संख्या, तो यह नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसी के विषय में हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, अब यहाँ से इधर से बनाएंगे, इधर से नहीं बनाएंगे, इधर से। अब यह जो है दिन है, तो दिन है, तो यह पूरा महीना देगा, महीना देगा, यानी 31 दिन देगा, तो 31, 32, 33, यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 33। यह जो है एक मंथ का उधरा देगा, यानी कि 31 डे का उधरा देगा दोस्तों, तो 31, 32, 33, यानी कि यहाँ पर 33 डे होगी आपका। क्लियर, यहाँ पर किसी चीज़ को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ नीचे बड़ी संख्या थी, ऊपर में छोटी संख्या थी, नहीं घटती, इसीलिए हमको करना पड़ा। अब यहाँ पर दो नहीं, बल्कि यहाँ पर कितना, एक बचा हुआ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक महीना जब इधर दे दिया, तो यहाँ पर एक ही महीना यहाँ पर बचा हुआ। अब यहाँ पर सात है, यहाँ पर एक है, तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से यह उधरा लेगा, और यह उधरा कितना लेगा, पूरा 12 महीना उधरा मिलेगा। जब यह 12 महीना उधरा लेगा, तो यहाँ पर एक था, 12 और एक कितना हो जाएगा, 11 महीना यहाँ पर हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो नहीं बल्कि एक है, क्योंकि एक महीना इधर आपको दे दिया गया। अब यहाँ पर 12 महीना दे दिया, तो यहाँ भी 2020 नहीं बचा, 2019 ही बचा हुआ, क्योंकि पूरा ईयर जो है बंदा पूरा एक साल दे चुका है। अब जैसे लेस करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर लेस करेंगे, यही आपको सेटिंग यहाँ पर समझना पड़ता है। यही चीज़ जो है सभी को समझ में नहीं आती, और यहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल्स में बता दिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर लेस करते हैं और यहाँ पर घटाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी वीडियो मज़ेदार बन रहा है, तो वीडियो को सारे लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में, और हमारा जो मोटिव आपके लाइक के बटन से ही मिलते हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से घटाते हैं। अब नौ है, नौ में पाँच यहाँ पर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, चार, चार यहाँ पर बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एक है, नौ है, नौ दो कितना हो जाएगा, ग्यारह, यानी चौबीस यहाँ पर हो चुका। अब यहाँ पर सात है, यहाँ पर ग्यारह, सात में ग्यारह में जो सात चला जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर चार, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सात तीन दस और एक ग्यारह, यानी कि चार यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर तैंतीस है, तैंतीस में बारह चला जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, तैंतीस में अगर बारह चला जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पर बचेगा कितना, कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 21, ठीक है, यहाँ पर बचेगा हमारा 21। यानी कि इस बंदे का दोस्तों, अगर हम जानना चाहते हैं, तो यह जो बंदा है, सॉरी, यहाँ पर 12 महीना, तो एक 13 महीना हो जाए, यहाँ 11 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ एक महीना बचा और 12 महीना, 12 और एक कितना होगा, 13 हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 महीना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 मंथ, और यहाँ पर ठीक है, यानी कि 21 दिन 6 मंथ, 21 दिन 6 मंथ 24 ईयर्स इस बंदे का हो चुका है। तो यहाँ से आप देखिए कि हमने तीन तरीका से तीन टाइप का एज हम यहाँ पर निकालने के लिए बता दिए। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद लगे, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अपना एज नहीं निकाल पाते हैं, तो दोनों नीचे कमेंट लिखे किस तारीख को निकालना चाहते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम आपको निकाल कर आप तक हम पहुँचा देंगे कि आपका एज कितना हो रहा है, कितना दिन हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना साल हो रहा है, पूरा का पूरा डिटेल्स हम आपके कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर बता देंगे, इसीलिए कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।